देख सकते हैं ये सामने। देखिए दोस्तों, ये श्री सुग्रीव किला अयोध्या, देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है, कलर कितना अच्छा। ये देखिए, ये सब विदेशों में ऐसा ब्रिक यूज होता है, जैसे ये वाला ब्रिक है, देखिए ये। इधर के साइड ये पूरा इतना ज्यादा चौड़ा हुआ है, नहीं तो पहले जिधर से उधर जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है जन्मभूमि पथ की ओर की, मतलब कि किस प्रकार से दीपोत्सव 2024 को लेकर तैयारियां हो रही हैं। अब तो बहुत ज़्यादा कम दिन बचा हुआ है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। और आपको दिखाएंगे राम मंदिर का बिल्कुल ही वर्तमान स्थिति, अभी मौके पे कैसा दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये वीडियो दोस्तों जो है 22 अक्टूबर और मंगलवार के दिन की है। ये दोस्तों बिल्कुल बिरला धर्मशाला के सामने यहाँ पे ये जन्मभूमि पथ है, यहाँ पे ये दो बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने हुए हैं। अभी इधर ही से हम अंदर चलते हैं, और ये बिरला मंदिर इधर के साइड, ये देख सकते हैं इधर भी बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है बिरला मंदिर, वो सामने कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए जन सेवार्थ करके लिखा हुआ है, इसको अगर आप आते हैं तो 30 रुपये में जो है भरपेट खाना खा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप आइए तो इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। चलिए अब हम चलते हैं उस साइड की ओर, वहाँ से आपको दिखाते हैं क्या चीज़ें कैसे तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी के बाद जो है राम मंदिर है, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जन्मभूमि पथ के बगल में जो ये पूरा पॉइंट बनाया गया है, इसमें जो है देख सकते हैं इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य हो रहा है। इस पॉइंट पे ऊपर के साइड अभी तक देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ है। और चलिए चलते हैं अब आगे। इससे पहले हमने आपको अपडेट भी दिखाया था, जो कि प्रवेश द्वार के ठीक नीचे उस पॉइंट पे कुछ चीज़ें जो है बनाई गई थी। दो मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट देखे बिल्कुल सामने उस पॉइंट पे, वहाँ पे वो देखिए वहाँ पे तो ऐसे ना जाने कितने पॉइंट्स लगे हुए हैं पूरे अयोध्या में। इस पॉइंट पे जैसे थोड़ा सा है, आके लोग रेस्ट करते हैं, बैठ सकते हैं, टॉयलेट है, बाथरूम है, और हॉस्पिटल की भी सुविधा है उस पॉइंट पे, वहाँ पे तो लोग बैठे हुए। रुकिए, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए तीर्थयात्री सेवा केंद्र है, देखिए कितने बड़े बड़े पंखे सब लगे हुए हैं, चल रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। चलिए अब हम चलते हैं इधर का, सारी चीज़ आप लोगों ने देखा, अगर आप सुगम दर्शन का पास वगैरह बनवाना चाहें सारी चीज़ें यहीं से बनती हैं। चलिए अब चलते हैं उधर जन्मभूमि पथ पे, देखते हैं क्या निर्माण कार्य हुए हैं और क्या दीपोत्सव को लेकर तैयारियाँ हैं। उस फ्रंट से अंदर के साइड चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस वाले के नीचे कितना अच्छा वो बना हुआ है, देखिए उस पॉइंट पर बिल्कुल सेम ऐसा ही उधर के वाले पे भी बना हुआ है। आइए इधर से एंट्री करते हैं, चलते हैं। तो ये पूरा जो है इस पॉइंट पे जो है भव्य प्रवेश द्वार बनेगा, और भी अच्छा, मतलब फूलों से सजाया जाएगा। दीपोत्सव के एक दिन पहले या दीपोत्सव तक ये बिल्कुल बन जाएगा। देखिए अभी भी जो है कैनोपी यहाँ पे बड़ा सा लगा हुआ है, उस पॉइंट पे भी देखिए वहाँ पे भी स्वागत किया जा रहा है, हाथ जोड़कर ऐसा बनाया गया है। देखिए सारी चीज़ें, तो अभी जो है कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जैसे फूलों से सजाया हो जाता है, तो उस टाइप का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसी वाली लाइन से जो है राम मंदिर की ओर जाया जाता है, देखिए व्हील चेयर से भी ले जाया जाता है, मतलब ये है आप आते हैं तो आपको बहुत ही ईजिली दर्शन हो जाएगा, किसी भी टाइप का कोई भी कष्ट नहीं होगा आपको। देखिए पानी पीने वाला एटीएम भी वहाँ पे लगा हुआ है, मतलब फ्री है वो। देखिए दोस्तों, ये श्री सुग्रीव किला अयोध्या, देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है, कलर कितना अच्छा गया, बिल्कुल दक्षिण भारत के मंदिर जैसा इसको बनाया गया है, कितनी अच्छी डिज़ाइन वगैरह बनी, कलर किया गया है बहुत ही सुंदर। दर्शन के लिए आप इधर से जाएंगे और आएंगे उधर से, नहीं तो अगर लास्ट में वहाँ पे जाएंगे तो पुलिस वाले रहते हैं आपको तुरंत वापस कर देंगे, तो इस बात का विशेष कर ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर के साइड वाला ये मार्ग देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल जो है रेलवे स्टेशन वाले मार्ग के पास निकलता है, श्री राम चिकित्सालय मतलब जो हॉस्पिटल है वहाँ पर निकलता है, इसके बारे में हमने आपको दिखाया हुआ है।
जो कि निकास द्वार रहेगा, जब भी भीड़ लगेगी तो इधर से निकासी हो जाएगी। और ये वाला जो मार्ग दिख रहा है इधर से होते हुए सीधा भक्ति पथ पे, ये वाला भी मार्ग जो है चौड़ा हो रहा है, इसको अभी हम चलते हैं आपको दिखाएंगे आखिरी में। देखिए तो इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से टर्न होना पड़ता है। अगर आप जैसे आते हैं दर्शन करने तो आप देख के इस वीडियो को आप दर्शन आसानी से कर सकते हैं। दर्शन करके देखिए इधर से लोग निकल रहे हैं और अभी हम चलेंगे आपको इधर के अंदर की चीजें दिखाने का। फिर इस पॉइंट से होते हुए अब हमारा राम मंदिर की ओर, इस पॉइंट से थोड़ा सा खोला गया है कि मतलब इधर से उधर जा सके। देखिए जो व्हील चेयर्स हैं इधर से सामने सीधे जा सकते हैं, इनके लिए बिल्कुल ही रास्ता एकदम सीधा रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं रहती। देखिए इस पॉइंट पे वहाँ सामने राम मंदिर है, उस पॉइंट पे जहाँ क्रेन था। चलिए हम इधर से चलते हैं होते हुए अंदर के साइड। अरे इधर से चल चल मेरा भाई, इधर खाली इतने सारे हैं, किसी से भी जा सकते हैं। यहाँ से पूरा चेकिंग पॉइंट, बैग वगैरह सब चेक होता है, अंदर के साइड उधर बैग रखा जाता है। इधर से चेक होते हुए फिर आगे इधर बैग निकलेगा, इधर बैग आप अपना ले लेंगे और फिर जो है आगे उस पॉइंट पे वहाँ पे सारी चीज़ें मोबाइल वगैरह पर्स वगैरह बैग वगैरह सारी चीज़ें जमा होती हैं। अभी भी देखिए पाइप्स वगैरह लगी हुई है, अभी भी जो है निरंतर काम हो ही रहा है। तो दीपोत्सव आते आते जो है बहुत सी चीज़ें, एक दिन पहले हो सकता है कि फूल वगैरह से काफ़ी अच्छा सजाया जाए, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। आइए चलते हैं इस पॉइंट पर दिखाते हैं, इधर भी यात्री सुविधा केंद्र, जूते वगैरह इस पॉइंट पर इधर जमा होते हैं पूरे लाइन से। आइए चलते हैं उधर अंदर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों ये मिडिल पॉइंट देख सकते हैं, ऊपर के साइड कैसे ये पूरा लगाया जा रहा है, वो लोहे की फ्रेम है उसके ऊपर से ये अलग से जो आता है कहीं से कटिंग हुई, जैसे ये नीचे रखा हो ये सारी चीज़ें ऊपर सेट किया जा रहा है पूरा। देख सकते हैं उधर भी इस टाइप का सारा चीज़ बना हुआ है और यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल मंदिर जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया गया है। सही है, देखिए क्रेन से कैसे पूरा वर्क किया जा रहा है। देखिए कितने सारे इधर के साइड लॉकर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, लोग जमा कर रहे हैं मोबाइल, जमा करने का जो है उधर से निकासी हो रही है, निकलते हुए लोग जा रहे हैं। अभी हम भी चलते हैं उधर ही से, आइए इधर दिखाते हैं आपको। मोबाइल वगैरह सामान वगैरह इधर जमा कर सकते हैं इस पॉइंट पे, उधर के साइड भी है बट खुला रहेगा तो, क्योंकि काम की वजह से कभी कभी बंद रहता है। ये देख सकते हैं अंदर के साइड की चीज़ें, देखिए यहाँ पे इधर अंदर हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई हुई है, प्रतीक्षालय वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए ये सब विदेशों में ऐसा ब्रिक यूज होता है, जैसे ये वाला ब्रिक है, देखिए ये देखिए पहले जो है कंक्रीट का पूरा जो है वो बनाकर फिर इसके ऊपर से जैसे वो सब टाइप का रखा है इसको लगाया जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मोबाइल वगैरह सामान वगैरह लेने के लिए कितनी ज्यादा भीड़ है। चलिए हमेशा कुछ ना कुछ चेंज हो रहता है, कभी इधर से बाहर, कभी किसी और साइड से बाहर। थोड़ा सा आपको रुके दिखाते हैं इधर से, देखिए इधर साहब, इधर राम जन्मभूमि का ही एरिया है,
सब निर्माण कार्य जो है निरंतर चल ही रहा है। चलिए चलते हैं, ज्यादा दिखाना भी उचित नहीं है। चलिए अभी इधर से हम चलते हैं बाहर, थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए अभी भी उधर बहुत सारी मतलब राम जन्मभूमि का एरिया जो है बहुत बड़ा है। देखिए सामने इधर से चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी रहती है, इधर के साइड पूरा देख सकते हैं क्या क्या चीजें बन रही हैं। चलिए इधर से चलते हैं बाहर, कई सारी चीजें जो है चेंज हुई है। देखिए दोस्तों हम जो है इधर से जो है वापस चले हुए हैं फिर से जन्मभूमि पथ पे। अब इधर से जो है हम चलेंगे आगे के साइड अमावा राम मंदिर की ओर। देखते हैं, अब तो टाइम जो है 11 बज रहे हैं, अंदर ऊपर जाने देते हैं कि नहीं, क्योंकि खाने का टाइम हो जाता है। तो अभी जो है तैयारी को लेकर कुछ भी वैसा नजर नहीं आ रहा है। चलिए अभी इधर से चलते हैं, होते हुए आगे वहाँ पे कुछ निर्माण कार्य दिखाते हैं जो कि हो रहा था अभी कितना हुआ मौके पे। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं जन्मभूमि पथ से इधर के साइड। इस बार देखिए पिछली बार जो कूड़ा वगैरह दिखा था इस बार नहीं दिख रहा है, इधर के साइड ये आपको डक नजर आ रहा है। ये सीधा जो है वहाँ जन्मभूमि पथ के पास जाएगा, उस पॉइंट पे वहाँ पे जो कि भक्ति पथ से जो आएगा इधर के साइड कनेक्टिविटी सही हो जाएगी। चलिए अभी दिखा, इतनी ज़्यादा भीड़ है इसमें कहाँ से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। देखिए पहले जो है इतना ही पतला ये था, अभी जो है इतना इधर चौड़ा हो चुका है जो कि हम इधर ही से चलते हैं। देखिए इस पॉइंट पे ये गिट्टी वगैरह डाली गई है, इधर के साइड ये पूरा इतना ज़्यादा चौड़ा हुआ है। ये तो पहले जिधर से उधर जा रहे हैं ये रेडी वगैरह लगी उस साइड की ओर, उतना ही ये चौड़ा था। देखिए जल्दी ही रोड वगैरह इधर भी बनेगी। यहाँ से राम मंदिर नजर आ रहा है, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। देखिए वो सामने वहाँ पे, आ चुके हैं हम भक्ति पथ मार्ग पे। आइए दरी से निकलते हैं। चलिए अब चलेंगे हम जो है अमावा मंदिर के अंदर ऊपर के साइड। देखिए ये है भक्ति पथ मार्ग। भक्ति पथ मार्ग से अगर आप आएंगे तो आपको फिर से जन्मभूमि पथ पे ही जाना पड़ेगा, तो इस वजह से ये वाला मार्ग जो है चौड़ा करके जन्मभूमि पथ पे मिलाया जा रहा है। चलिए अब हम जो है ये यहाँ पे दर्शन कर लीजिए प्रभु श्री राम जी के बाल रूप में। चलिए अब हम इधर से चलेंगे। देखिए लाइन कितनी बड़ी लग चुकी है यार, इसी बात का जो है डर था कि पर्ची कटाने के बाद जो है फिर ऊपर जाने को मिलेगा। चलिए कोशिश करते हैं, चलते हैं ऊपर, आपको राम मंदिर की वर्तमान स्थिति दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली 2 घंटे के बाद जो है हम अमावा राम मंदिर के ऊपर आ चुके हैं और अब आपको दिखाते हैं राम मंदिर की वर्तमान स्थिति। देख सकते हैं ये सामने, अभी मौके पे जो है इतना बन चुका है। अब मेन शिखर का देखिए गर्भगृह के शिखर का वर्क हो रहा है इस समय, कुछ मौके पे ऐसा दिख रहा है। इधर के साइड का भी देख सकते हैं ये वर्क हो रहा है। तो अभी जो है मौके पे 22 अक्टूबर और मंगलवार के दिन की स्थिति ये है और लेट इस वजह से हो गया क्योंकि अब जो है हमारा मंदिर में खाना खाने का पूरा स्टार्ट हो जाता है करीब 11 बजे से, तो इस वजह से मुझे पर्ची कटा के अंदर आना पड़ा, ना एंट्री नहीं मिलती है। देखिए दोस्तों इधर से भी आपको दिखाते हैं, देखिए पर कोटे का निर्माण कार्य हो रहा है उधर के साइड देख सकते हैं वो पॉइंट पे, फिर इधर के बाद इस पॉइंट पे ये पूरा जो है राम मंदिर के साइड साइड में ये पूरा रहेगा परिक्रमा करने के लिए, मतलब पर कोटा रहेगा। और भी देख सकते हैं कई चीज़ों का जो है रीडेवलप किया जा रहा है मंदिरों को, जैसे वहाँ पे वो है, ये मंदिर है यहाँ पे, वो सारे मंदिर देखिए उधर के साइड, वो देखिए वो रीडेवलप किया जा रहा है, मतलब कई सारे हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं पे रखते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करिए। फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।